सुनाओ सब बढ़िया? नहीं बढ़िया तुम्हारा? तुम्हारा बहुत बढ़िया। पता बढ़िया इसका नहीं मेरा आज क्यों नहीं है? है कल तो बिजली का इश्यू था, आज तो वो भी नहीं, फिर भी बढ़िया नहीं है मेरा, क्योंकि न्यूज़ बॉय ने वीडियो नहीं डाली, ना न्यूज़ बॉय ने डाली, ना न्यूज़ मैंने डाली। अब चुनाव किससे मैं साला कायगा न्यूज़ चैनल बनते हुए? एक काम है न्यूज़ चुनाना, वो नहीं करने दे रहे मुझे। अब तुम्हें बताओ 8 मिनट की वीडियो कहाँ से आएगी? हैं मुझे तो थोड़ी मालूम है कि यूट्यूब पर क्या क्या चलता रहता है पायल जोन के अलावा। अरे थगेश ने फिर से कोई वीडियो बना दी पायल जोन के ऊपर। अरे वो न्यूज़ थी ना न्यूज़ बॉय की, कि वो सौरव जोशी को मार दिया था उसने, तो जब न्यूज़ बॉय ने ज्ञान दिया तो फिर उसने टाइटल चेंज कर दिया। तो अब उसी से रिलेटेड थगेश ने भी एक वीडियो बना दी मेरे ख्याल से कुछ समय पहले। फुकरा इंसान ने भी वीडियो बना रखी है, तो मैं चला गया देखने के लिए। पहले मैंने थगेश की वीडियो देखी तो मुझे कुछ पार्ट बहुत फनी लगे, बट मैं अननेसेसरी है। फिर वाइट बोर्ड पर लिख के आ जाएगी चुप हो जा थगेश थगेश, पता नहीं क्या क्या लिखती है। एक तो वाइट बोर्ड रखते मेरे पास नहीं है, मैं 5 साल से यूट्यूब कर रहा हूँ, मेरे पास नहीं। मैंने इतने सारे टॉपिक कवर करे हुए हैं यूट्यूब पे, मैंने आज तक वाइट बोर्ड नहीं रखा है। मैं आज भी कॉपी यूज़ करता हूँ, कॉपी और पेन या स्टिकी नोट्स। ये साली वाइट बोर्ड लेके ये लिखते रहते, ट्रिकेट सुधर जा ट्रिकेट इंसान। अभी साला मैं एक वीडियो देख रहा था, सौरव जोशी की पूरी व्लॉग उठा ली और उसमें डाल दिया कि मैंने सौरव जोशी का घर बाय कर दिया। मतलब किसी को नफरत फैला के इतना पैसा, वाजीबा। और पता सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे ये भी पता नहीं चली आज, मुझे सबसे इंटरेस्टिंग बात पता चली इसके अबाउट सेक्शन में, कि मैं यहाँ पे सिर्फ जोक्स पे फोकस करती हूँ, तो मैं जिनके बारे में बात कर रही हूँ उनको जाके नफरत मत पहुँचाना, क्योंकि तू कर रही है वो मैं खुद कर ले रही हूँ, तुम मत करो। तुम्हें नहीं करने की जरूरत, मैं करती हूँ ना। राजपाल यादव है इसके अंदर, मेरे को सब आता है, मेरे को सब आता है। मेरे को मालूम नहीं कौन से गवर्नमेंट एग्जाम की ये तैयारी करी थी, बट अगर उसमें इंटरव्यू होता होगा ना और इससे पूछेंगे तुम्हारा इकलौता सबसे अलग टैलेंट क्या है, इसका आंसर एक ही होने का मैं किसी के बारे में कुछ भी बोल सकती हूँ, मेरे बारे में कोई कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि मैं सुनती ही नहीं। फिर सही बात है, घटिया जो क्या बट सिंपल है। अबे थगेश ने एक मतलब ये पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग बोला, कि सौरव जोशी ने थार से उसके पैर पे चढ़ा दिया जिसकी वजह से उसको कैंसर हो गया, जिसकी वजह से उसको बाल काटने पड़े। मेरे अंदर से अनुभव निकल गया भाई साहब, कोई सेंस है इस बात की? अबे मोहित भाई निकल के बोल गए होंगे क्या बोल रही है समझ में भी आ रहा तुझे? अबे मोहित भाई सर जो है डॉक्टर वॉक्टर है यार। अबे कल मैं वो व्हाट इफ की ब्रेकडाउन देख रहा था, अरे कॉमिक वर्स वाले मोहित की बात कर रहा हूँ, तो वो देख रहा था मैं, और फिर उसमें उन्होंने बायोलॉजी समझाना शुरू कर दिया, ब्रेन के बारे में समझाना शुरू कर दिया। मैं कही है? मैं कहा वाह कॉमिक्स का इतना ज्ञान, उसके बाद पढ़ा लिखा आदमी। कुछ भी क्या तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया? अबे यही होगा आज की वीडियो में टाइम पास। ड्रेक के बारे में बात करेंगे, ड्रेक के बारे में नहीं, सिद्धू मूसेवाले के बारे में। तो अभी ड्रेक किसी फंक्शन में था, मतलब किसी इवेंट में था टोरंटो में, तो वहाँ पे वो ओपनिंग एक्ट था जहाँ पे उसने ट्रिब्यूट दिया सिद्धू मूसेवाला को फिर से, क्योंकि उसने टी शर्ट पहनी हुई थी, मतलब बात नहीं करी उसके बारे में बट टी शर्ट पहनी हुई थी जहाँ पे सिद्धू मूसेवाले का फेस था, नाम था और बर्थ टू डेथ डेट सब मेंशन था। सो वो एक अच्छी चीज़ थी, और सिर्फ यही नहीं, इवन सिद्धू मूसेवाला का जो फैमिली है उसके मॉम और डैड दोनों ने सिद्धू मूसेवाले के नाम का टैटू कराया, मतलब फादर साहब ने तो पूरा चेहरा बनाया और माँ ने मेरे ख्याल से सिर्फ नाम लिखवाया, तो वो भी एक अमेजिंग चीज़ है भाई। एक बार मेरे को तो प्यार हो गया यार 295 से, सच बोल रहा हूँ मैं रिपीट पे सुनता हूँ उस गाने को। मैंने कभी नहीं सुना था यार, जब तक वो था तब तक मैंने नहीं सुना था वो गाना, मेरे को अभी रिसेंटली उसके जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद सुनने को मिला वो, और अब वो मेरे फेवरेट सॉन्ग में से। बाकी ये क्राफ्टन जो तुम्हें मालूम है BGMI बैन कर दिया गया प्ले स्टोर और आई स्टोर क्या होता है जो एप्पल स्टोर होता है उससे, तो अब क्राफ्टन की तरफ से आ चुका है अब स्टेटमेंट कि उनको भी नहीं मालूम, वो डेटा लॉस पूरी तरह फॉलो कर रहे हैं और सारे लॉ रेगुलेशंस निभा रहे हैं, तो उनको कोई आइडिया नहीं अभी क्या है, बट वो कंसर्न अथॉरिटीज के साथ सिंसियरली डील कर रहे हैं। ये मैं का सिंपल ही बोल देते हैं, हमको क्या मालूम हम तो पर रहे थे वो लोग आपस में झगड़ रहे थे, हमको का मालूम हम तो पर रहे थे
अबे ये 11th या 10th में बनाया था हम लोगों ने कांडी बॉयज का सॉन्ग। अबे क्लास में आ गया था टीचर और हमारे लोग लड़ रहे थे आपस में, मतलब ऐसी मस्ती में। टीचर ने देख लिया और उसके बाद हम शांति से बैठ गए। तो एक बंदा था ना कालरा, उसको खड़ा किया, कहते क्या हुआ? कहता सर मुझे क्या मालूम, मैं तो पढ़ रहा था। उसके बाद हमने गाना ही बना दिया उस पर। बाकी कॉमनवेल्थ चल रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कितने मेडल जीते हमने। पहले कोई कह रहा था वो वेट लिफ्टिंग में जीता हमने सिल्वर, फिर पता चलता है कि लड़कियों में भी हमने 5 गोल्ड जीत लिए हैं जो रेसलिंग है, कैडेट रेसलिंग पे। और तो वहाँ का मैं श्योर नहीं हूँ कि हमने कितने मेडल जीते। मतलब एक तो था कोई और वेट लिफ्टर, उसने ब्रॉन्ज जीता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई, पूरे लिस्ट दो ना ढंग से। मतलब अजीत एक्टर, अजीत जो है साउथ एक्टर है, पहले तो मुझे मालूम था अच्छा एक्टर है और मैं तो उसके लुक्स का ही फैन हो गया था। फिर उस मुझे पता चला वो F1 रेसर भी है, मतलब फास्ट रेसिंग कार का बड़ा वो शौकीन है। अभी पता चल रहा है तमिलनाडु शूटिंग नेशनल जो होता है कॉम्पिटिशन, उसमें 5 मेडल जीते हैं उसने शूटिंग के लिए। फिल्म शूटिंग नहीं, गन शूटिंग। 3 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज। सिल्वर ही जीते हैं ना, गोल्ड, सॉरी गोल्ड, 3 गोल्ड 2 ब्रॉन्ज। मैं भाई क्या है ये बंदा, क्या है ये बंदा। मैं कहा नेक्स्ट फिर कॉमनवेल्थ में इसको ही भेज देते हैं। हर साल होता है IPL, है पता नहीं मुझे। अबे IPL में उतार दे यार इसको, ये कर लेगा, मेरे को मालूम है कर लेगा यार। अबे F1 रेसिंग तुम्हें क्या इजी बच्चों वाली चीज लगती है? वो गरम मैं फैन तो वैसे ही था। मैं कहा वाह अमेजिंग। फिर मुझे ये पता चला मैं क्या डेंजरस शौक है यार तेरे, इसको मिशन इम्पॉसिबल में टॉम क्रूज की जगह पर डाल सकते हैं हम लोग। मैं बता रहा हूँ रिप्लेस कर देगा आराम से ये। अब्बा नहीं मानेंगे। बाकी आजकल बर्थडे बहुत चल रहे हैं लोगों के, साला मेरा बर्थडे निकल गया है 10 दिन से ऊपर, 11 दिन से ऊपर हो गए। कल भी कमेंट में आया हैप्पी बर्थडे ज्ञानी भाई, एंड यहाँ पूरे महीने बर्थडे मनाया मेरा इस बार, पूरे महीने लाइव स्ट्रीम पे नहीं आए लोग, पूरे महीने बर्थडे मनाने आ रहे हैं। अभी कल धनुष का बर्थडे था तो उसने थैंक यू बोल दिया। हाँ मेरा, मेरे फैंस मेरा पिलर है सपोर्ट का। ये चुप है, बैठ वहीं पे, माय सेक्सी तमिल फ्रेंड। अबे ग्रे मैन का डायलॉग है यार, ग्रे मैन का डायलॉग है, मीन का क्या होता है। आज सोनू सूद का बर्थडे है, सोनू निगम का बर्थडे है। अबे नींद आ रही है यार, अबे मैं मजाक नहीं हूँ, मुझे नहीं मालूम तुम में से कितने लोग दोपहर को सोते हैं, ये सो के उठते हैं। बट बाई गॉड अगर तुम्हें सोना हो ना 4 बजे सो के देखो, 4 बजे सो के देखो दोपहर के, भाई सब 6 बजे उठा नहीं जाता तुमसे। 6 बजे उठाना ही मन नहीं करता यार। मैं मजाक नहीं करता, मैं सोने गया हूँ सुबह 5-5:30 बजे के करीब में और मैं 12 बजे के गर्मी में उठ गया हूँ और फिर मेरे को नींद नहीं आई। अब मैं सोया हूँ 3:30 बजे के करीब में, अब 3:30 बजे मैं सोया और 6 बजे मेरी, भाई साहब मैं कितने 1, 6, 7 अलार्म है मेरे फ़ोन में, जिनमें से मैंने 5 अलार्म मिस कर दिए हैं आज पहली बार। एक तो ये होता है ना कि तुम यूज टू हो जाते हो अलार्म का, अगर तुम डेली सुन रहे हो तो वो नहीं है, अरे कौन सा है रॉक बाय बेबी रॉक बाय, तो वो अलार्म टोन है। अब साला वो सपने में ऐसा फिट हो गया ना कि मैं सपना देख रहा हूँ, जो भी सिचुएशन चल रही है उसमें ही बजने लगता है। तो मुझे पता ही नहीं चलता गाना बज रहा है, मतलब बैकग्राउंड सपने में बज रहा है या फिर मेरा अलार्म बज रहा है। चेंज करना पड़ेगा यार, कोई लाउड म्यूजिक बताओ यार। ढिंचक पूजा मत बोलना, ना 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 ना, टॉर्चर नहीं चाहिए। पता चला खुशहाल सपना देख रहा हूँ, वो बजना शुरू किया, मॉब लिंचिंग होने लगी सपने में ही। बस बाकी कोई न्यूज़ नहीं मेरे पास, 8 मिनट हो गए तो मेरी किस्मत, नहीं हुए तो भी मेरी किस्मत, साले पैसे नहीं बनेंगे। बट पता है क्या, ऐसी वीडियो बनाने में ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि दिल से बात करता हूँ ना, कोई पैसे नहीं होता कि हाँ फोर्स कर रहा हूँ मैं, फ्लो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे जहाँ पे जो मन करे बोलते रहो, हैं सही बात है। तभी तो मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं लोगों को। ब्लॉग छोड़ो पे, अभी वो फिल्म रिलीज हुई है 1 विलन रिटर्न्स और ऑडियंस जो देखने गई ना बोले क्यों ही आए वापस, मेरा पैसा वापस आ सकता है क्या। अबे एक चैनल है शान प्रसार करके, शांतनु घर का कोई होस्ट आता है उसका, भाई साहब डेली एक कमेंट होता भाई तेरा बोलने का स्टाइल पसंद है, मुझे उसका स्टाइल पसंद है। पता नहीं कैसे गालियाँ कर देता है यार वो अपनी वीडियो में, मैं कर नहीं पाता क्योंकि मैं इस रूम में हूँ, अपने पुराने वाले रूम में तो भाड़ में जाए पॉलिसी देखा जाएगा येलो डॉलर। अबे 7 दिन में से 1 दिन येलो डॉलर ले सकता हूँ मैं, बट बोलने का मौका तो मिले ना, ना लड़ने को मिल रहा है ना गाली देने को मिल रहा है, क्यों ही जी रहा हूँ मैं। रस्सी लाओ, पता चला पंखा ही गिर गया। ओ मैं आ रहा हूँ शिमला, शिमला नहीं कुल्लू हिमाचल प्रदेश, कब सरप्राइज सर, लाइक कर देना, नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। ये क्या बंगला थोड़ी पा रहा हूँ, पीस आउट बोल रहा हूँ, लाइक करो तुम, चलो बाय पीस आउट।